तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? ताज्जुब है, कुआं प्यासे से पूछ रहा है कि प्यासा कुएं के पास क्या करने आया है। गंदी नालियों में गोता लगाने वाले वासना के कीड़े। रीटा कुआं नहीं, तूफानी नदी है। आज मैं उस तूफानी नदी पर बांध लगा दूंगा। तेरी ये हिम्मत से तूने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला? ए बुढ़े, तूने सांप की दुम पर पैर रखा है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गंजा बेवकूफ, अगर कमान ही तोड़ डालेंगे तो तीर कैसे चलाएंगे? इस बूढ़ी कमान से क्या तीर चलेगा? अभी तक कौन सा इसका तीर निशाने पर बैठा है? आज नहीं तो कल बैठेगा। हाँ, लगता है तूने महाभारत नहीं पढ़ी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर जाना तो सीख लिया था, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए वो मारा गया। हम भी इन पहाड़ों के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, अब बाहर नहीं आ पाएंगे। बाहर आने के लिए हमें इस पुट्ठे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पुट्ठा पहाड़ी रास्तों का जानकार है। समझे? You're right, बोल रहा है। सुनो, एक बार साला कोई इन पहाड़ियों में खो जाए ना, तो साला जिंदगी भर यानी होल लाइफ वापस नहीं आ सकता। अंडरस्टैंड इडियट का बच्चा? और तुम एक लड़की के लिए हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेरना चाहते हो? ज्यादा बड़ी बातें मत करो गजा, तुम तो अपने साथ अपनी माशुका लाए हो और हमें किसी औरत की तरफ देखने में नहीं देते। अगर सच्चे दोस्त बनते हो तो जिस तरह शराब बांटकर पीते हो, उसी तरह औरत भी बांटकर खाओ, चाहे वो रीटा हो या प्रेमा। हरम ज़ादे ज़बान संभाल कर बात कर। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ना, इस हराम ज़ादे ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। निकल कमीने, निकल जाए यहां से। अगर कल सुबह तेरी शक्ल नजर आई तो गोली मार दूंगा। जाता हूँ, जाता हूँ। तुम जैसे लोगों के बीच रहना भी नहीं है। हराम ज़ादा।